अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात ये कि कुछ दोस्त पूछते हैं कि टूना फिश के जो सेंटर में ब्लैक गोश्त होता है उसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते, या टूना फिश खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, या कौन कौन सी मछलियाँ हैं जिनके अंदर मरकरी लेवल ज़्यादा होता है। सबसे पहली बात यह कि टूना फिश वेस्टर्न साइड पे इंतहाई मकबूल मछलियों में से है और इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसका सबसे बड़ा सोर्स ये है कि वेस्टर्न साइड ठंडे और बर्फ़ वाले एरिया भी हैं, तो वहाँ पे इस तरह की गर्म मछली को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हम अगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे आंतों में ज़ख़म वगैरह भी ये कर सकती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म मछलियों में इसका शुमार होता है। और इसके अलावा कुछ दोस्त पूछते हैं कि इसके जो सेंटर में गोश्त जो डार्क कलर का जो गोश्त होता है वो खा सकते हैं या नहीं खा सकते। ये इसकी ब्रिडल लाइन होती है, अगर आप इसको खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन इसका जो टेक्स्चर है इसके जिस्म के बाकी के हिस्से से काफ़ी मुख्तलिफ हो जाता है और ये डार्क शेड में आ जाता है। इसके अलावा व्यूअर्स, जो बड़े साइज़ की मछली जिसमें सुरमई फिश है, स्वॉर्ड फिश है, या घोड़ा मछली जिसे कहें, या शार्क मछली है, या पिट्टन फिश है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मरकरी लेवल पाया जाता है, जो इंसानी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इनके अगर आप कभी भी दाने परचेज़ करने हों तो मैक्सिमम जो है आप 5 किलो से ऊपर का दाना इसका परचेज़ ना करें, क्योंकि इसमें मरकरी लेवल जो होता है वो फिर नुकसानदेह होता है। खुसूसी जैसे हामला औरतें होती हैं या छोटे बच्चे होते हैं तो वो इससे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं और इंसानी दिमाग पे भी ये असर अंदाज होती है। तो जितनी मछली जो है वो छोटी होगी तो वो आपके लिए बेहतर होगा। मैक्सिमम जो बड़े साइज़ की जो मछलियां होती हैं, जो 70-80-100 किलो तक के भी जो नस्लें होती हैं जिसमें उनके 100-100 किलो तक के दाने होते हैं, तो उन मछलियों के अगर आप 4-5 किलो का मैक्सिमम साइज़ अगर आप परचेज़ करेंगे तो वो एक बेहतर चॉइस होगी। और टूना मछली का जो ब्लूफिन टूना है उसके अंदर भी काफ़ी मकदार में मरकरी लेवल पाया जाता है, लेकिन ये वेस्टर्न साइड पे मकबूल मछलियों में तो उनके ठंडे इलाके होने की वजह से। तो ये जो मैंने बताए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी मछलियां हैं, अगर उनके लिस्ट निकालने बैठें तो उसके लिए काफ़ी सारा मवाद चाहिए होगा, लेकिन जो मैंने चंद मछलियां बताई हैं, जो आप जिसमें शार्क हो गई, पिट्टन फिश हो गई, घोड़ा हो गई, सुरमई हो गई, तो ये मछलियाँ जो हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा मरकरी लेवल पाया जाता है, तो इनके अगर आप छोटे दाने लें तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगे। या इसके अलावा व्यूअर्स, जो छोटे साइज़ की जो छोटे नस्ल की जो मछलियां हैं जिनमें ओमेगा 3 भी काफ़ी हद तक पाया जाता है, जिसमें लेकिन कांटे की मकदार उसमें थोड़ी कुछ ज़्यादा होती है, लूअर फिश या सर्डाइन फिश वगैरह हैं तो उनके अंदर भी काफ़ी, और इसके अलावा बांगड़ा फिश है वो भी एक बेहतर चॉइस हो सकती है, और बोई वगैरह ये मछलियाँ भी जल्द हज़म हो जाने वाली और बहुत ही एनर्जेटिक मछलियों में इसका शुमार होता है। इसके अलावा जो कैटफिश की नस्लें हैं उनके अंदर भी मरकरी लेवल काफ़ी हद तक कम होता है, लेकिन अगर जो दोस्त कांटों से बचने के लिए जो बहुत बड़े साइज़ की जो मछलियां परचेज़ करते हैं, तो समुद्री मछलियों के अंदर सिवाय चंद मछलियों के बाकियों के अंदर कांटे जो छोटी साइज़ के होती हैं उनमें थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन अगर 1 किलो से ऊपर का दाना हो तो उसमें काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाती है। तो मैक्सिमम अगर 1-5 किलो तक का अगर दाना आप परचेज़ करते हैं तो वो बेहतर रहेगा, बनिस्बत कि कोई 15-20 किलो तक का कोई दाना हो। तो ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो छोटे नस्ल की जो अच्छी खुराक खाने वाली मछलियाँ हैं, गंद वाला खाने वाली मछलियाँ ना हो, अच्छी खुराक खाने वाली मछलियाँ, और उसके अलावा जो कांटों से बचने के लिए मैक्सिमम 1-5 किलो तक का जो साइज़ है वो एक बेहतर चॉइस हो सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, इसमें ओमेगा 3 की भी काफ़ी मकदार पाई जाती है, तो आप बड़े दानों से परहेज़ करें, जो छोटे साइज़ के दाने हों तो वो बेहतर है। और जो सुरमई के शौकीन अफराद हैं, जायके में तो कुछ डिफरेंस है, लेकिन गरगान मछली वो भी एक बेहतरीन चॉइस है, या इसके अलावा डुग्गी फिश वगैरह है या मींग है, ये एक बेहतरीन मछलियों में से है जो एनर्जेटिक और ओमेगा 3 का भी सोर्स इसके अंदर काफ़ी हद तक पाया जाता है।
व्यूअर्स, उम्मीद है कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मंडी बहुत बुरा आ रही है, मैंने ये दो तीन मेरे को चार सौ में करना पड़ा, पता है आपको मच्छी बिकता नहीं, हम लोग बेजार हो गए। हम लोग बोलते हैं मच्छी बिके नुकसान हो मगर बिके जान खुरा लो। आगे तो उधर बिके ना, आगे तो गेट पास लगे पास Thank you.